हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक न्यू चैप्टर बताने जा रही हूँ, लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। ये हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है लिमिटेशन एक्ट का, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को लिमिटेशन एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताती हूँ कि ये लिमिटेशन एक्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कोर्ट है, हमारे जो लॉ है, उन लोगों ने हमारे केस फाइल्स पे कुछ लिमिट्स लगाई है। मतलब हम किसी भी शूट को, किसी भी केस को कितने दिनों के अंदर फाइल कर सकते हैं, इसका एक टाइम लिमिट लगा हुआ है हमारे लॉ के हिसाब से। इसी को हम लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। जैसे अब हम लोग शुरू करते हैं। एक्ट अप्लाइज ऑल सिविल प्रोसीडिंग प्लस स्पेशल क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मतलब ये एक्ट जो है वो हर तरीके के प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो कोई स्पेशल टाइप का क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, अनलेस एक्सक्लूडेड इन इनएक्टमेंट। जब तक हमारा जो एक्ट है, जो लिमिटेशन एक्ट है, वो अगर किसी चीज को एक्सक्लूड नहीं करता है, तो तब तक जो है ये लिमिटेशन एक्ट सबके ऊपर लागू होगा, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो, चाहे वो कोई स्पेशल टाइप का क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो। वंस लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्ड, प्लेंटिव इज नॉट अलाउड टू फाइल सूट। अगर एक बार हमारा जो लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म हो गया, वो एक्सपायर्ड हो गया, तो प्लेंटिव को अलाउ नहीं किया जाएगा दोबारा फाइल सूट फाइल करने के लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। बेस्ड अपॉन विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस लेजेस सब वेनियंट। ये एक लेटिन मैक्सिमा है जिसका मतलब होता है इट बार्स रिमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। ये हमारे रिमेडी को बार करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फिलअप के लिए भी आता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारा लिमिटेशन एक्ट होता है वो किसी भी तरीके के रिमेडी को बार करता है, मतलब सुधार को मना करता है, लेकिन प्लेंटिव के राइट को मना नहीं कर रहा है। अगर कोई दूसरे एक्ट के जरिए उसे अपना राइट मिल सके तो वो उस राइट को ले सकता है। मतलब अगर लिमिटेशन एक्ट फॉलो करे तो जो एक बार टाइम लिमिट जो है, टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो उसको जो रिमेडी मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा। ये बार करता है, मतलब मना करता है रिमेडी को, लेकिन उस पर्सन का जो राइट है, जो उसका लीगल राइट है, वो उसे मना नहीं करता है। इट बार्स रिमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। ये रिमेडी को बार करता है बट राइट को एक्सटिंग्विश, राइट को खत्म नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। लिमिटेशन एक्ट में रिमेडी को बार करता है, सुधार को मना कर रहा है, लेकिन किसी पर्सन के राइट को खत्म नहीं कर रहा है। ये इसका लैटिन मैक्सिमा है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग बस बस करके याद कर सकते हो, जिसमें बस बस है वो लिमिटेशन है, बस का मतलब स्टॉप। तो ये है हमारा लिमिटेशन का इंट्रोडक्शन। अब हमारे लिमिटेशन में कुछ एक्सेप्शन पार्ट भी हैं कि कोई कोई जगह ऐसा होता है कि जब हमें टाइम पीरियड जो है उसके ऊपर एक्सेप्शन मिल जाती है। जैसे एवरी सूट अपील एप्लीकेशन मेड विथ इन टाइम लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड हमें ये बताता है कि जो भी सूट या फिर अपील एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं वो विद इन टाइम होना चाहिए, यही लिमिटेशन पीरियड बताता है। वंस टाइम लिमिट इज ओवर कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड। एक बार हमारा टाइम लिमिट खत्म हो गया तो कोर्ट उस चीज को प्रोसीड नहीं करेगा अनलेस, जब तक ऑन द डे कोर्ट इज क्लोज्ड। सपोज हमारा जो लास्ट डे था वो संडे था, या फिर किसी भी तरीके का हॉलीडे, या फिर कोर्ट किसी रीजन से बंद था, तो उस दिन को हम नहीं जोड़ेंगे, मतलब हमें और दिन एक्स्ट्रा मिल गए। या फिर सीरियस इलनेस, इम्प्रिजनमेंट, मिस्टेकन व्यू ऑफ लॉ, अगर कोई को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सीरियस इलनेस है, एंड आपने कोर्ट में प्रूफ कर दिया उस चीज को, ओके, कॉज दे दिया अपना कि इन सब रीजन से मैं नहीं आ पाया, वो रीजन है जैसे सीरियस इलनेस, इम्प्रिजनमेंट अगर कोई जेल में था, मिस्टेकन व्यू ऑफ लॉ की तरफ से कुछ मिस्टेकन हुआ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूज। अगर लॉ इग्नोर करता है किसी चीज को तो वो एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, बस मिस्टेकन व्यू ऑफ लॉ जो है वो इस कॉज के अंदर आ रहा है। बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ लीगल काउंसिल, जो भी लीगल काउंसिल की तरफ से जो मिस्टेक्स होंगी वो। टाइम टेकन फॉर डिक्री, जो हमें डिक्री मिलता है लास्ट में, जो ऑर्डर जिसे हम डिक्री कहते हैं, वो जब हमें मिलता है तो उसमें अगर टाइम लग रहा है तो वो भी माना जाएगा।
एंड नन अवेलेबल ऑफ फाइल. हो सकता है फाइल नहीं मिल रही हो, वो फाइल अवेलेबल नहीं हो उस टाइम, तो भी हम ये सब रीजन बता के एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं. बर्डन टू प्रूफ सफिशियंट कॉज, ये जो कॉज है इतने सारे जो हमें छूट मिलते हैं जिसके लिए, इन सब को प्रूफ करना होगा. पार्टीज टू अपील, जो भी उस अपील के पार्टीज हैं उनको ये सब रीजन प्रूफ करना होगा, तभी कोर्ट से उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल सकती है. लेकिन ये जितने भी ऊपर हमने रीजंस पढ़े, कॉज पढ़े, वो इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं होंगे. जितने भी ऊपर हमने सीरियस इलनेस, इम्प्रिजनमेंट, मिस्टेकन व्यू ऑफ लॉ, फिर बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ लीगल काउंसिल, टाइम टेकन फॉर डिग्री, फाइल नहीं मिलना, जितने भी तरीके के रीजन पड़े वो इन सब पे अप्लाई नहीं होंगे. वो कौन कौन से हैं? XX1 मतलब 21 ऑफ सीपीसी 1908 एंड सूट्स, जो इसके अंदर जो सूट्स आते हैं, ओके, सीपीसी के 21 के अंदर, उन सब के ऊपर ये जितने भी रीजन हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे. मतलब ये इनका लिमिटेशन पीरियड फिक्स्ड है, उसी टाइम पे हमें केस फाइल करना पड़ेगा, वरना ये अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट है हमारा क्वाजाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स. लेबर कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैन नॉट एक्सटेंड द पीरियड. मतलब जो हमारा लिमिटेशन पीरियड है वो कोई भी आ जाए, चाहे वो क्वाजाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स हो, लेबर कोर्ट्स हो, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, कोई भी लिमिटेशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकता है. सिर्फ हमें एक्सटेंड तभी मिलेगा जब ये रीजन हो. ये रीजन इन सब केस में वो काम भी नहीं करेंगे, ओके, सीपीसी के 21 में एंड जो भी सीपीसी रिलेटेड सूट है, जो इनेक्टमेंट में लिखा है कि वो एक्सक्लूडेड है, उन सब के ऊपर ये रीजंस काम नहीं करेंगे. एंड क्वाजाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स, लेबर कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकती है. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लिमिटेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट. लिमिटेशन एक्ट होता क्या है, कितने सारे उसमें एक्सेप्शंस हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया. आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट करके बताइए. अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो प्लीज़ अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगी. एंड प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन करिए अगर आप लोगों को अपडेटेड न्यूज चाहिए. मैंने सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है. एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड लाइक करिए. एंड कोई नई वीडियो की सजेशन अगर आप लोग देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए. थैंक यू.